नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जो आज की ये जो वीडियो है वो BTUP के प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड एक अपडेट है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा जो BTUP का जो एग्जाम है वो वैसे तो 7 तारीख से, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होके हमारा जनवरी लास्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब जनवरी 25 तक मान के चलिए पहुंचेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह है। देखो, पहली वजह तो ये है कि अभी तक प्रैक्टिकल जो अभी तक सॉरी जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। तो जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, 8 तारीख है 3, एग्जाम की जो डेट थी वो है 7। 4 दिन में ना तो फॉर्म भरे जा सकते, ना ही आपकी जो डेट है वो मतलब ना ही फॉर्म भरे जा सकते, ना ही आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। तो मेरे पास बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होंगे, प्रैक्टिकल की क्या अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें A to Z कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो एक आर्टिकल के थ्रू आपको अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट लिया है, लिखा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश दशम सेमेस्टर कि प्रैक्टिकल कब होगा। इस आर्टिकल में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि दशम सेमेस्टर परीक्षा 2023 की परीक्षा के लिए संभावित एग्जाम स्कीम 7 जनवरी से BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। BTUP एग्जाम 2023 को लेकर छात्रों में काफी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन बनता जा रहा है। छात्र काफी कंफ्यूजन है कि उनका एग्जाम 7 जनवरी से होगा या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में। इसके बारे में जानकारी के लिए आप लोग आर्टिकल को पढ़ें। आपको बता दें कि आपका एग्जाम 7 जनवरी से नहीं होगा। अभी एक जल्दी कन्फ्यूजन आप सभी का ये आया था कि पहले थर्ड तथा फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट थर्ड एवं फिफ्थ तीनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ में कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले थर्ड फिर मतलब फिफ्थ और फिर उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर का हो। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दशम सेमेस्टर की प्रैक्टिकल आप लोगों की दशम सेमेस्टर के एग्जाम के पहले होगा। और यह भी बता दें कि अगर एग्जाम के पहले कोई प्रैक्टिकल छूट जाती है तो वो आपके एग्जाम होने के बाद में कराया जाएगा। आपको बता दें कि कई कॉलेजों में आप लोगों की प्रैक्टिकल की डेट आने लगी है। आपके कॉलेज का अभी तक आया है या नहीं आप अपने मतलब देखो ये जो आर्टिकल है इसके अनुसार ये साफ साफ इसमें लिखा है कि जो आपका एग्जाम है वो 7 तारीख से नहीं होगा। और जिस जिस जो जो बच्चा प्रैक्टिकल को लेकर कन्फ्यूजन हो तो प्रैक्टिकल आपका एग्जाम से पहले ही कराया जाएगा। ये हो जाता है कभी कभी कि एक आध प्रैक्टिकल छूट जाता है तो वो प्रैक्टिकल आपका एग्जाम के बाद कराया जा सकता है। अभी मेरे आसपास में ही एक दो कॉलेजेस हैं, मैंने वहां पे पता किया तो वहां पे बताया गया कि बच्चे बता रहे थे कि भैया जो प्रैक्टिकल है उनके स्टार्ट हो गए हैं, अब बस उनके जो क्या कहते हैं एग्जाम जब तक डेट नहीं आ जाती, मतलब जब तक एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं हो जाती तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम 7 तारीख से नहीं होगा, आपका एग्जाम 25 तारीख के बाद ही कराया जाएगा। 25 जनवरी के बाद या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए प्लीज। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।